हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो गाइस, आईपीएल 2022 की स्टार्टिंग में अब बस 4-5 दिनों का वक्त ही बाकी रह गया है। और ऐसे में आईपीएल की स्टार्टिंग से पहले बीसीसीआई के द्वारा आईपीएल 2022 के दौरान चलने वाली ट्रेड विंडो की अनाउंसमेंट की जा चुकी है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊँगा कि आईपीएल की ट्रेड विंडो किस तरीके से काम करने वाली है, इसके साथ ही कौन कौन से प्लेयर्स के ऊपर ऑलरेडी कौन कौन सी आईपीएल टीमें हमें इंटरेस्टेड नज़र आ रही हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, अगर आप लोग हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइए, जिससे हमारी वीडियोस के अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इसके साथ ही अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे शॉर्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहां पर आप लोगों को छोटी छोटी वीडियोज अब आईपीएल के दौरान रोज ही देखने को मिलेंगी। आईपीएल के रिगार्डिंग, आपकी फेवरेट टीम के मुकाबलों के रिगार्डिंग 30 से लेकर 1 मिनट के बीच में आप लोगों को वीडियोज देखने को मिलेंगी, जो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होंगी। तो अभी हमारे शॉर्ट चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो गाइस, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ट्रेड विंडो की इंफॉर्मेशन से पहले एक और एडिशनल अपडेट आप लोगों के लिए निकल कर आ रही है, जो कि एक छोटी सी अपडेट है, तो आपको वो जाननी चाहिए। और ये अपडेट है लखनऊ की टीम की साइड से। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मार्क वुड, जो कि लखनऊ सुपर जॉइंट्स की टीम से पुल आउट कर चुके हैं अपनी इंजरी के इश्यूज की वजह से, उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर लखनऊ सुपर जॉइंट्स की टीम ने तस्कीन अहमद को फाइनलाइज कर लिया है। आप लोगों को याद होगा कि ये बांग्लादेश की साइड से खेलते थे और आईपीएल में हालांकि अभी तक जितने ऑक्शन हुए हैं उसमें ये अनसोल्ड गए हैं, लेकिन क्योंकि आईपीएल के ऑक्शन में इन्होंने अपना नाम दिया था तो उस वजह से ये इनके रिप्लेसमेंट के लिए पूरी तरीके से एलिजिबल हैं। और ऐसे में ये मार्क वुड के रिप्लेसमेंट के तौर पर लखनऊ सुपर जॉइंट्स की टीम के साथ आपको जुड़ते हुए नजर आएंगे। अब गाइज, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बीसीसीआई के द्वारा जो मिड सीजन ट्रेड की अनाउंसमेंट की जा चुकी है। तो मिड सीजन ट्रेड, इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि आईपीएल के बीच में हमें सेम आईपीएल की ट्रेड विंडो नजर आती है, जो कि ऑक्शन से पहले एक ट्रेड विंडो होती है, दूसरी ट्रेड विंडो हमें ऑक्शन के बाद देखने को मिलती है, और उसके बाद अल्टीमेटली ये फाइनल ट्रेड विंडो होती है, जो कि हमें आईपीएल के बीच में ही देखने को मिलती है, जो कि आईपीएल के दौरान हमें कंटिन्यू रहते हुए नजर आती है। बीसीसीआई ने अनाउंसमेंट कर दी है कि ये जो मिड सीजन ट्रेड हमें देखने को मिलेगी इस बार भी कंटिन्यू रहेगी, जहां पर 10 आईपीएल टीमें हैं, दो नई आईपीएल टीमें आ चुकी हैं, और हम सभी लोग जानते हैं कि एक आईपीएल टीम को 14 मुकाबले खेलने होंगे। तो बीसीसीआई ने इस बात को क्लियर आउट कर दिया है कि इस बार, क्योंकि 14 मुकाबले एक टीम खेलेगी, तो इसमें पहले 7 मुकाबलों में से जिस भी प्लेयर ने, जिस भी अपनी आईपीएल टीम में वो सोल्ड हुआ है, अगर वहां पर उसने 2 या फिर 2 से कम मुकाबले खेले हैं तो फिर वो ट्रेड विंडो के लिए पूरी तरीके से अवेलेबल रहेगा। यानी कि अगर किसी भी प्लेयर ने पहले 7 में से 2 या फिर 2 से कम मैचेस खेले हैं तो फिर उस प्लेयर को उसकी टीम दूसरी टीम में ट्रेड कर सकती है। अब अगर आप लोग सोच रहे हो कि ये टीम इस प्लेयर को ट्रेड क्यों करेगी, तो ऑब्वियसली बात है, अगर उस टीम को लगता है कि इस प्लेयर की वजह से उनकी टीम में अब जगह नहीं बन पा रही है उस प्लेयर की, या फिर उनको अगर उस प्लेयर के बदले कोई दूसरा प्लेयर मिल रहा है, अच्छा प्लेयर मिल रहा है या फिर अच्छा पैसा मिल रहा है, तो फिर ये उस प्लेयर को दूसरी टीम में ट्रेड कर सकते हैं। और इस रूल के हिसाब से कुछ ऑलरेडी ऐसी टीमें हैं जो कि इस ट्रेड विंडो में ऑलरेडी आप लोगों को इंटरेस्टेड होते हुए देखने को मिलेंगी। इस लिस्ट में आती है गुजरात टाइटंस की टीम, जहां पर हम सभी लोग जानते हैं कि ऑक्शन में गुजरात की टीम उतने ज्यादा स्ट्रांग स्क्वाड को बिल्ड नहीं कर पाई थी बाकी टीमों के कंपैरिजन में, तो ये टीम ट्रेड विंडो में आपको जरूर इंटरेस्टेड देखने को मिलेगी। इनके साथ ही इस लिस्ट में सनराइजर्स हैदराबाद की भी टीम आती है, क्योंकि SRH की टीम ने भी हालांकि अपनी टीम में कुछ इंपॉर्टेंट एडिशन किए, लेकिन इसके बावजूद उनकी जो बल्लेबाजी है वो उतनी ज्यादा स्ट्रांग नजर नहीं आ रही है बाकी टीमों के कंपैरिजन में। इसके साथ ही मुंबई इंडियंस जैसी टीम, जो कि और साल हमें बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग नजर आती थी, लेकिन इस बार इनका ऑक्शन भी उतना ज्यादा परफेक्ट नहीं गया था, जिसकी वजह से MI की टीम भी, जो बाकी टीम है जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है अपनी प्लेइंग 11 में खिलाने के बावजूद भी, जिन टीमों के बेंच पर बैठे हुए प्लेयर भी बहुत ही खतरनाक है, जैसे कि दिल्ली कैपिटल्स, पंजाब किंग्स या फिर राजस्थान रॉयल्स या फिर इवन LSG, ये सारी टीमों से MI की टीम भी चाहेगी कुछ प्लेयर्स को ट्रेड करना। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग बताइए आप लोगों के अकॉर्डिंग आपकी फेवरेट आईपीएल टीम को कौन कौन से प्लेयर्स को मिड सीजन ट्रेड में ट्रेड करना चाहिए। इसके साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो इसको जरूर कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।